ये ECG मशीन है और इसको एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर डॉग्स इसमें यूज़ करते हैं। ये पूरी मशीन है और आज हम इस बिच की ECG करने वाले हैं। देखना है कि इसमें कहाँ पे, ये इनके मालिक हैं दीक्षा जी, और अभी हम इसको किस तरह से कौन कौन से लीड्स कैसे कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं जिस पे येलो कलर का जो कलर लगा हुआ है, इसको हम लेफ्ट आर्म पे लगाएंगे, मतलब आगे के लेफ्ट पाँव के ऊपर। इसी तरह से ये जो है इस पर लिखा हुआ भी होता है, इस पे लिखा है RA राइट आर्म लिखा हुआ है, तो इसमें हम अपना आगे वाले पाँव के राइट पाँव पे लगाएंगे। और ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है राइट लेग, तो अपने पीछे वाले पाँव के राइट लेग में लगाएंगे। और ये जो है ये लेफ्ट लेग, इसमें LL लिखा हुआ है, ये लेफ्ट लेग है। तो अपने को इस तरह से लगाना, तो येलो कलर जो है इसको अपने सबसे पहले लगाते हैं इसके राइट साइड। इसको लगाने से पहले अपने को इसके ऊपर जेल लगाना पड़ेगा, तो जेल के लिए हम लोग यूज करते हैं ये जेल लगा के। अब ये लगाना है लेफ्ट हैंड, यानी इससे सॉरी है, तो ये इसके लेफ्ट लेग पे, तो ये यहाँ पर लगेगा, ये लेफ्ट लेग पे लग गया ऐसे कैसे। ये जो है ये लगा राइट लेग पे, तो इससे पहले अपने ये लगाते हैं थोड़ा सा जेल लगा के, और फिर इसमें अपन लगाएंगे ये राइट लेग पे, है ना। और इसी तरह से अपने ये दोनों जो है ये लेफ्ट, ये जो है इसको अपने लगाएंगे, इस पे लिखा हुआ भी है लेफ्ट लेग, तो अपने लेफ्ट पाँव मतलब ये वाला, तो इस पर वापस इस ये लगा के थोड़ा सा जेल लगा ताकि इसकी स्लिप भी ना हो और एग्जैक्ट लोकेशन लगाए, है ना। और ये जब लगेगा राइट लेग के ऊपर, तो ये अपने राइट लेग पे लगा देंगे, क्या आएगा राइट लेग पे। अब एक और अपने पास बंदर बच जाती है कोई रेड की, ये जो है ये C1 लिखा हुआ है इस पे, ये चेस्ट वन है, तो चेस्ट वन के लिए अपने जिफोट कार्टिलेज जो है, जिफोट कार्टिलेज के ऊपर अपने इसको लगाए। अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तब भी आपको अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन ये लगाने के बाद में इसका 3D डायमेंशन भी अपने को पता चल सकता है आपने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको लगाने ये सारी जो सेटअप हो गया, लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेफ्ट लेग राइट लेग, और ये इसको लगा दिया, है ना, ये इस तरह लगे हुए। अब अपने को आ गए यहाँ पे, अब आप इस पास अभी इधर लेके, अभी इसने अपने किया हुआ है, अब इसको अपना कर देते हैं स्टार्ट रन। इसमें एंट्री करनी पड़ेगी अपने को, तो न्यू एनिमल, न्यू एनिमल में यहाँ पे नेम लिख देते हैं अपने, एंट्री कर दी है। अभी इसमें एज लिख दिया है 4 ईयर्स, है ना। ये करने के बाद में फिर सेट कंटिन्यू। अभी आगे इसके अंदर अपने को पूरी इसकी ECG पूरी दिखने लग गई है। अभी ECG अपने लेंगे, ये उसके पूरे उसमें आ रहे हैं। अब अगर उस तरफ इसको देखोगे तो इसकी मूवमेंट के हिसाब से इसकी एक मिनट जो ऊपरी तरह से ECG आ रही है। अभी ECG को बिल्कुल सुना रही है, अब अपने को इसको स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट करते ही ये इसमें इसकी ECG बिल्कुल आने लग गई है। ये अपन इसके लॉन्ग स्लिप में काम कर रहे हैं, शॉर्ट स्लिप पर नहीं किया है, लॉन्ग स्लिप पे काम कर रहे हैं, तो लॉन्ग स्लिप पे ये पूरी इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ साथ में आती है। तो ये जब अपने किया तो ये इसमें नाम वगैरह सब कुछ आ गए इसके, और ये एक एक लीड के PQRS का पूरा एक एक जो है वो आपके पास में इसका सेटअप आ जाता है। ये पूरी इसकी UI भी है, इसको अगर आपने देखें तो इसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। जब चेंजेस नहीं है क्योंकि ऐसे क्यों बता सकते हैं अपने कि ईच एंड एवरी जो इसकी बीट्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर है और सेम लैटिट्यूड्स की हैं, तो इसमें कोई भी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये एनिमल इज क्वाइट हेल्दी फॉर हार्ट पर्पस। अब इसको वापस जो है अपने ये सारे एक एक करके सारे हटा देते हैं इसको। इनको एकदम से क्लीन करके वापस नेक्स्ट एनिमल के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये सब हम दिखा रहे हैं आपको वेटनरी पॉलीक्लिनिक जोधपुर के उस में, और मैं डॉक्टर संजय कृष्ण व्यास।